10 लाख की HPN ब्लेजमोथ रियू गायब हो गया। भाई देख सकते हो क्या ही हो रहा है आसमान में, इतने सारे ब्लेजमोथ रियू ने क्या ही कर दिया है, क्या ये हारेगा 20,000 7,000 में इतने आज। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैलवोल। जैसे कि तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ब्लेजमोथ रियू को हराया, उसके बाद हम लोगों का ब्लेजमोथ रियू अचानक मेगा इवॉल्व भी हो गया था। उसी के साथ साथ तुम लोगों को याद होगा हम लोगों को मिला था एक ब्लेजमोथ रियू का स्लैब फ्रेगमेंट, जिसके बाद मैंने और भी ज्यादा डंजन क्लियर किए, हम लोगों ने और भी दो दो अल्ट्रा स्लैब फ्रेगमेंट इकट्ठा किए। तो अभी हमारे पास टोटल में तीन तीन अल्ट्रा स्लैब फ्रेगमेंट है, लाइक हम लोग तीन बार ब्लेजमोथ रियू को बुला सकते हैं, बट उसको हराना उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों को याद है ब्लेजमोथ रियू से हम लोग फाइट लेने के लिए गए थे तो वही वाली फाइट बहुत ही ज्यादा हार्ड हुई थी कि लाइक वो हम लोगों को बार बार मार रहा था, एंड लास्ट चांस में हम लोगों ने किसी तरीके से उसको हरा दिया था। एंड इस बार तो हम लोग बुलाने वाले अल्ट्रा वाले को, सो उसको हराना भाई बिल्कुल भी ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में मैंने डिसाइड किया ना कि हम लोग अपने लिए कोई नया वाला वेपन बनाएंगे। एंड अगर मैं तुम लोगों को ये दिखाऊं, ठीक है, इधर जैसे कि तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने सारे वेपन्स को तो अनलॉक करके रखा था, बट ये कुछ चीजें मैंने अनलॉक नहीं की, सो कर दिया, बट मेरे ये पॉइंट्स खत्म हो गया। बट ठीक है, हम लोगों ने जितना भी हम लोगों को वेपन चाहिए था हम लोग सारे के सारे अनलॉक कर चुके हैं। ये देखो, ये वाला हम लोगों ने बनाया था जो कि है लेजर राइफल, उसके बाद है फ्लेम थ्रोअर, ग्रेनेड लॉन्चर, गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, एंड ये है अपना गैटलिंग गन। तो देखो सबसे ज्यादा डैमेज तो गाइडेड मिसाइल लॉन्चर का ही है, एंड उसके बाद गैटलिंग गन का है। सो मैं सोच रहा हूँ ना गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले अपना फर्स्ट गाइडेड मिसाइल लॉन्चर। सो इसके लिए मैंने सारी मटेरियल सारी चीजें तो इकट्ठा करके रखी है, अगर मेरा दिमाग ठीक है, मेरे अनुभवी लोगों का मूड अच्छा है तो ये लोग काम करेंगे। देख रहे हो लाइक रेस्टिंग मोड में ज्यादातर मेरे अनुविज लोग क्यों हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। एक को हम लोग इधर से लेते हैं एंड खुद पर कुछ चल के इधर देते हैं, बट एक सेकंड हम लोगों को ये करने का तो जरूरत नहीं है, हम लोग चलते हैं सीधा इधर, एंड आई गेस मैं इधर से ही दे सकता हूँ, राइट। अगर मैं इधर चेक करूँ, ये देख सकता हूँ जैसे कि इधर काम चल रहा है, एंड फिक्स्ड मैंने इधर किसी को भी नहीं रखा है। सो एक अनुविज को दिया, दो तीन चार, चार चार अनुविज को गाइस हम लोगों ने एक ही जगह पे काम पे लगा दिया, एंड जैसे कि देख सकते हो भाई एक ही झटके में चार चार अनुविज काम करना स्टार्ट कर चुका है। वरना तुम लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड्स में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता था, बट अब इन लोगों ने रॉकी स्पीड में अपना नया लॉन्चर बना दिया। बट ठीक है, देखो मैं इसका सबसे पहले ना एक पावर का टेस्ट करके देखता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर करते है क्या डायनासोर के ऊपर, ठीक है देखते है इससे डैमेज होता है कि नहीं। मैंने कहा पे मार रही है, अब मैंने गलती से जमीन में मार दिया, भाई रुक जाओ, इसकी थोड़ी बुलेट्स बनाने के लिए देता है जो कि हम लोगों को चाहिए होगी। तो अगर मैं देखूं मैं बहुत सारी बना सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए हम लोग 250 बुलेट्स बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बाकी चीजें भी तो हम लोगों को गाइस बनानी पड़ेंगी, बट 250 भी ज्यादा हो जाएगी, आई गेस 200 बुलेट विल बी परफेक्ट। एंड एक बुलेट बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें तुम लोगों को दिख ही रहा है यार, तो बुलेट बनाना तो इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है, बट ठीक है चलो एक बुलेट हम लोग लेते हैं। आई गेस मैंने तीन तीन ले ले, राइट। अभी अगर मैं ठीक से एम करूं, देखते हैं, इधर मैंने डायरेक्ट मारा, बट अभी लाइक 1600 का डैमेज है इससे, बट इसका काम क्या है ब्रो, इस चीज का काम क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बट ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। इस बार बहुत डैमेज पड़ा, अबे 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 भाई 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 मेरी पूरी अनुबिस आर्मी चिर चुकी है। अबे डायनासोर लोगों को ये अटैक कब से आने लग गया, एक सेकंड, डायनासोर ने किया या मेरे किसी पोकेमोन ने किया मुझे पता नहीं चला, बट इन लोगों ने पूरा काम तमाम कर दिया एक ही सेकंड में। आई होप सब लोग अपने काम में लग जाने चाहिए, बट भाई इन लोगों को बस बहाना चाहिए काम से छुट्टी लेने का, देख सकते हो काम से पूरा छुट्टी लेके चले गए ये लोग। बट ठीक है, जैसे कि देख सकते हो जो जो अनुबिस को मैंने फिक्स किया था वो सारे अपने काम की जगह पे रिटर्न जाना स्टार्ट हो चुके हैं। बट अगर हम लोग इनका थोड़ा डिटेल पढ़े यार, इसका काम क्या होना चाहिए। ओके गाइस, जितना मुझे समझ में आया ये वाला मिसाइल लॉन्चर खुद से ट्रैक करना चाहिए, बट क्या ये ट्रैक करेगा, तो ये डायनासोर को लगी मैं अगर इधर मारूं तो क्या ये लगेगा, नहीं लगना चाहिए। बट अच्छा मैं समझ गया गाइस कि ये एक होमिंग मिसाइल जैसा है, लाइक तुम लोग कहीं भी मार दो सीधा जाके एनिमी के ऊपर ही लगेगी। बट इधर मार के देखोगे, रुक जाओ इसके बहुत ऊपर मार रहा हूं मैं, एंड ये इधर ही फूट गया भाई। मतलब तुम लोगों को थोड़ा ध्यान भी रखना है कि अपने एनवायरनमेंट का, क्योंकि वरना थरों से ठकरा जाएंगे भाई ये। ऑलराइट गाइस, सो ये वाली एनिमीज आर्मी तो अपने लिए बुलेट्स बनाना स्टार्ट कर चुकी है। मैं सोच रहा हूं ना तब तक के लिए इधर भी एक बना देते हैं क्या, लाइक सेम टू सेम एक वेपन असेंबली लाइन बनाए थे हम लोग। अगर मैं बना पाऊं, मुझे नहीं पता कि मैं इधर बना सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये देखो यार इसके लिए जगह बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है, बट मेरा टेरा मेरा करके बन चुका है, किसी तरीके से बन चुका है। तो आई होप मेरे अनुबिस लोग आ जाए कुछ। एंड कौन आ गया भाई बेस में, अबे हेलो क्या हो रहा है आज भाई, इतना ज्यादा फाइटिंग हो रहा है ब्रो। अबे देख सकते हो
ये है भाई जो मार रहा है इसको, रुको भैंस की डांग इसकी। भाई ये कैसे मर रहा है भाई, क्या कर रहा है ये। चलो एनीवेज यार इसको भी हम लोगों ने खत्म कर दिया, अब बस हम लोगों को जल्दी ये बनाना है। बट मेरे अनुबिस लोग बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हैं यार, सो हम लोग फिर से चलते हैं, इन लोगों को जल्द से चल के इधर से कमांड दे देंगे। एंड आई होप मैं इधर से दे पाऊं इन लोगों को। एंड इधर अगर मैं देखूं, जैसा कि देख सकते हो अनुबिस लोग काम भी नहीं कर रहे, बट ये लोग बना भी नहीं रहे, मुझे नहीं पता है क्यों यार। देख सकते हो एक अनुबिस बस काम में गया है, बाकी ये सारे लोग छुट्टी मार रहे हैं, बिना बात का कोई काम वाम तो करते हैं नहीं गाइस ये। तो इधर भी एक को मैं लगा देता हूँ और एक अनुबिस को लेते हैं हम लोग। भाई तू क्या कर रहा है यार, आराम से। ओए ऐसा करने से पोकेमोन गिर जाता है क्या, मुझे ये चीज तो नहीं पता थी गाइस। ये लगता है ना कि हम लोगों को नए अपडेट में मिला है, जो कि मुझे पता नहीं यार तभी। तो इधर देख सकते हो तीन तीन अनुबिस रॉकेट की स्पीड में अभी काम कर रहे हैं। तुम लोग सोच रहे होगे मैंने दो दो क्यों बनाया, सो देखो मैं तुम लोगों को अभी अभी बताने वाला हूँ। एंड ये देखो अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, इससे ना हम लोग बनाने वाले हैं गैटलिंग गन बनाए या फिर लाइक ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह बनाए। रुक जाओ थोड़ा हम लोग ना चेक करते हैं। गैटलिंग गन 54 लेवल में अनलॉक होता है, सो गैटलिंग गन का डैमेज वगैरह तो अच्छा ही होना चाहिए। सो इसको हम लोग बनाने के लिए देते हैं। चल के ना गाइस हम लोग फिर से चार चार अनुबिस को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी बुलेट बनाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर से चल के फिर से हम लोग करेंगे ये वाले असेंबली लाइन पे 1 2 3 4 अनुबिस को, बट लेट्स गो। ये चार चार अनुबिस फिक्स हो चुके हैं। एंड अभी अगर हम लोग चल के देखे सारे के सारे अनुबिस काम कर रहे होंगे। जैसा कि देख सकते हो मेरे चार चार अनुबिस इधर खड़े भी है, बट इन लोगों ने अपने लिए बना भी दी। बट देखो अभी हम लोगों को इसका एमओ भी चाहिए होगा, तो एमओ तो इसकी ढेर सारी बना सकता है। सो देखो ये एक मशीन गन है जो बहुत ही ज्यादा बुलेट्स फायर करने वाली है, सो 1000 बुलेट्स आई गेस हम लोगों को एटलीस्ट बना लेनी चाहिए। एंड चार चार अनुबिस काम में बिजी हो चुके हैं। तो अगर मैं सही हूं एंड मेरे गैटलिंग गन में थोड़ी सीबी एमओ है, ये फेंक देते हैं यार। यार हम लोग बहुत दिन से चलाते हैं, सो इसका भी कोई काम नहीं है अपने पास, ये लेते हैं। एंड एक भी एमओ है क्या, एक सेकंड में ये लेना ही भूल गया था भाई, इसको हम लोगों ने ले लिया। एंड अभी बस इसको 100 बुलेट्स है। देख सकते हो भाई ये क्या ही खतरनाक वेपन लग रहा है, बस हम लोगों को थोड़ा ट्राई करने के लिए कोई तो मिलना चाहिए था, बट इधर कोई भी नहीं है। वो देख सकते हो फिर से डायनासोर भी मिल चुका है भाई। डायनासोर बेचारा बोल रहा होगा कि आज मेरी पिटाई क्यों हो रही है बार बार। वो देख सकते हो भाई हम लोगों को फिर से डायनासोर दिख चुका है। डायनासोर सोच रहा होगा भाई मैंने बिगाड़ के लिया है। ठीक है ये हम लोग पावर टेस्ट करेंगे, बट इससे बुलेट जा ही नहीं रही भाई, ये क्या सीन है। अगर बुलेट पहुंचेगी नहीं तो फिर डैमेज कैसे देने वाली है। इधर हम लोग रुकते हैं, मुझे बस बुलेट देखना है। देखो रिंग ऑफ मर्सी तो हम लोगों ने पहन के रखी है, मतलब डायनासोर मर नहीं जाएगा। जस्ट अगर हम लोग देखे 80 करके डैमेज दे रहे, सो नॉट बैड, बट बुलेट्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, सो तुम लोगों को वो भी ध्यान में रखनी है। मेरा गन खत्म हो गया भाई, चलो इधर से निकलते हैं। अभी जेट ड्रैगन भरा गया, जेट ड्रैगन छोड़ दे भाई। एंड उसी के साथ साथ यार जिसने भी तुम लोगों में से लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, जल्द से जाके देखो, क्योंकि ये हमारा डार्क जेट ड्रैगन लास्ट वाले एपिसोड में इवॉल्व हुआ था। एंड इसको कुछ खतरनाक अटैक्स आते हैं भाई, जस्ट लाइक मान लो कि फ्रॉस्ट एलियन को आइस अटैक्स आते हैं, राइट, उसको बस ब्लिजर्ड स्पाइक आता है। बट आपने डार्क जेट ड्रैगन को देखो तो दो आते हैं भाई लिटरली, बट कहां मारा है इसने किसी को, तो डैमेज दिया लग रहा है। अच्छा पेयर को डैमेज दिया तभी मैं सोचूं। तो इधर हम लोग उतर जाते हैं, देखते हैं कि अपना काम कहां तक बना है भाई। जैसे कि देख सकते हो बहुत सारी एमओ अपनी अनुबिस आर्मी बना रही है, सो हम लोग ना गाइस थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये सारी की सारी एमओ बन जाए। एंड मैं मिलता हूं फिर सीधा तुम लोगों को। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम लोगों की एमओ वगैरह तो बन चुकी है, थोड़ी बहुत बन चुकी है। लाइक मैं तुम लोगों को दिखाया था कि 4000 एमओ अपनी बन चुकी है गैटलिंग गन के लिए, उसी के साथ साथ मिसाइल के लिए 240। अगर मैं थोड़ा सा वेट करूं तो सारी की सारी एमओ बन सकती है, बट भाई मुझे तुम लोगों को बताया कि फाइट लेना कितना ज्यादा पसंद है। ऊपर से आज हम लोग अल्ट्रा के साथ फाइट लेने वाले हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं लिटरली जरा सा भी वेट नहीं कर सकता हूं आज वाली फाइट के लिए। बट उससे पहले गाइस हम लोगों को एक जगह डिसाइड करनी पड़ेगी कि कहां पे हम लोग फाइट लेने वाले, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार ये वाला बेस बनाने में मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, तब जाके ये बेस इतना ज्यादा खूबसूरत दिखता है यार। सो मैं उसको अपने बेस के पास बुलाने नहीं वाला हूं। तो मैं सोच रहा हूं ना यार इसको हम लोग कोई खाली सी जगह पे बुलाते हैं। तुम लोगों को याद होगा इन सारी जगहों पे हम लोग बुलाते हैं मोस्टली रेड वाले बॉसेस को, क्योंकि वो सारी जगह खाली खाली होती है यार। एंड इधर बस ये सुसाइड बॉम्बर वाली टीम है, उसके साथ साथ थोड़ा सा ही स्पेस है इधर। सो हम लोग ना गाइस दूसरा वाला लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है ये वाला लोकेशन। इधर ना जल्दी से हम लोग चल लेते हैं। आई होप इधर चलने के बाद हम लोगों को मिल जाए अच्छी खासी स्पेस जहाँ पे हम लोग ब्लाजा मोद्रियो को समन कर पाए। बिल्कुल सीधे अपने है वो वाली जगह। आई होप मैंने उधर कोई भी रेड बॉस को समन नहीं किया था, तो आई गेस ब्लाजा मोद्रियो के लिए वो जगह तो फर्स्ट होने वाली है, हमारे लिए भी होने वाली है। बट उसी से याद है अगर तुम लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग एक लाइक कर देना। तुम लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड देख सकते हो इधर कुछ क्रो जीरो लोग आ चुके हैं।
है, बट अबे इन लोगों को ये अटैक्स कब से आते हैं भाई? इधर वाले पोकेमॉन्स को ना अलग ही कुछ कुछ अटैक्स आने लग चुके हैं। लाइक देख सकते हो तुम लोगों ने, ये अचानक ब्लास्टमोथ रियू वाला अटैक था, कर दिया इन लोगों ने। बट हम लोगों को बनाना है पैल बॉक्स, जिसके लिए थोड़ी सी वुड कम है, बट वुड इधर ही से मिल जाएगी। अच्छा एक पेयर हम लोगों के सीधा सामने ही है, तो इधर से थोड़ी सी वुड इकट्ठा कर लेते हैं। बट रात का टाइम होते जा रहा है यार, एंड रात को टाइम पे तुम लोगों को बताया कि ब्लास्टमोथ रियू को बुलाना कितना ज्यादा खतरनाक हुआ था। एंड इस बार तो लिटरली यार खतरा बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि तुम लोगों को याद होगा कि रात के टाइम पे ब्लास्टमोथ रियू का कितना ज्यादा पावर हो गया था। बट एक सेकंड, मैं तुम लोगों को ये बताऊं इससे पहले मैंने कितने बेसिस बना के रखे भाई। एक ये रहा अपना, एंड मुझे जितना याद है मैंने एक ही इधर रखा है। इसके सिवाय तो यार मुझे पूरे मैप पे अपना बेस कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। सो एक बेस, एंड अच्छा ये वाला बेस यार हम लोगों को एक बेस तोड़ना पड़ेगा। सो ये वाला तोड़ देते हैं गाइस, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को बिठाने की जगह भी तो चाहिए। क्योंकि देखो मैं फायर माउंटेन वाला तोड़ नहीं सकता, जो भी तुम में से मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तुम लोगों को पता है कि ये वाला बेस मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीस है, जो कि बिल्कुल लावा के ऊपर बनाया है हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। बट ठीक है यार, बातें बहुत ही ज्यादा होती रहेंगी। सबसे पहले इधर एक पैल बॉक्स बनाते हैं, एंड अगर मैं सही हूँ हम लोगों को बिठाना है एक समनिंग ऑल्टर, जो कि ये रहा। भाई ये सब कुछ तो इतना ज्यादा इजी है ना कि मेरे को टेंशन होता ही नहीं। मेन दिक्कत वाली बात तब आती है ना जब इसके अंदर हम लोग स्लैब फ्रैगमेंट डालते हैं, एंड तुम लोगों को पता है यार अभी मेरी कितनी गंदी वाली पिटाई होने वाली है। लाइक मैं कितना बार मरने वाला हूँ मुझे वो तक का आइडिया नहीं है, बट हम लोग को किसी भी तरीके से टिके रहना पड़ेगा जिससे कि हम लोग इनको हरा सके यार। तो इधर देख सकते तीन तीन, नहीं वे ओबे ओबे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर तीन तीन ब्लास्टमोथ रियू निकल जाए तो जैसे कि देख सकते हो मैंने इधर ब्लास्टमोथ रियू का अल्ट्रा स्लैब रख दिया है। बट अब भी हम लोगों को ना अपने पोकेमॉन्स को भी डालने की जरूरत है। सो मैं सोच रहा हूँ किनको डालूं यार। सबसे पहले आई गेस ना मेरे पास कुछ ज़ेनोगार्ड्स लोग हैं, सो इन कुछ ज़ेनोगार्ड्स को डाल देते हैं। तो याकुमो, एक नॉकलेम, रूमन नॉक को डालू गया ना, इसको डालने का मन नहीं कर रहा है। और सर को डालते हैं, 55 लेवल वाले हैं, सो जितने डाल सकते हैं भाई सारे को डाल के पहले ना हम लोग फुल कर लेते हैं। ये 48 लेवल वाला है, इसको नहीं डालना है स्टार्टिंग में गाइस। हम लोगों को अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन्स को डालना है। इधर एक ड्रैगन को भी डाल दिया मैंने, सो सारे के सारे पोकेमॉन्स मैंने डाल दिया। भाई ये सब लोग गुड नाइट की मूड में चले गए क्या? अबे हेलो रुक जाओ एक सेकंड गाइस, अगर ये लोग सोएंगे ना तो बहुत गंदी वाली पिटाई होने वाली है अपनी। सो अपने बेस में ना चल के जल्दी से हम लोग सुबह करके फिर रिटर्न आते हैं। जैसा कि देख सकते हो भाई हम लोग बेस में आ तो चुके हैं, ये लोग आई गेस काम करते करते इतना ज्यादा थक गए ना इधर ही सो चुके हैं यार। सो इधर जल्दी से सो जाता हूँ मैं, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डायरेक्टली सुबह। ऑलराइट गाइस, एक और प्यारी सी सुबह हो चुकी है अपने बेस में, अब हम लोगों को सीधा भागना है उधर। एंड ये लोग देख सकते हो यार सुबह होते होते ही काम में लग चुके हैं, ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा काम की है। वरना भाई इन लोगों को बार बार बोलते बोलते ना मैं परेशान हो जाता था, लाइक इतना ज्यादा परेशान करते थे ये लोग मुझे। इधर को तुम लोग देख ही सकते हो अपने सारे के सारे पैल्स रेडी हो चुके हैं। तो क्या तुम लोग रेडी हो ब्लास्टमोथ रियू को बुलाने के लिए? मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, वो बहुत ज्यादा गंदा मारता है तो मुझे लिटरली बुलाने का कोई मन नहीं करता यार। मैं अगर सही से कहूँ ना यार तुम लोगों को, मेरे को जरा सा भी ये बटन दबाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत गंदा मारने वाला है ये। बट हम लोगों को गाइस कुछ ना कुछ करके इसको हराने की जरूरत है, बट किसी भी तरीके से भाई हम लोग इसको बुलाने जा रहे हैं। लिटरली मेरे हाथ तक कांप रहे हैं भाई डर से कि इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बट ठीक है यार, हम लोग इसको बुलाने जा रहे हैं। 3, 2, 1 एंड ये आ गया। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, मेरी गन का है, गन का है नहीं भाई। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो 1,00,000 की एचपी, 1,00,000 नहीं बे 10,00,000 की एचपी एंड ब्लास्टमोथ रियू गायब हो गया भाई। मेरे इतने सारे पोकेमोन एक शॉट में चले गए। तुम लोगों को याद होगा गाइस कि हम लोगों के पास भी एक पावरफुल पोकेमोन है जो कि है अपना ब्लास्टमोथ रियू, बट ये अल्ट्रा वाला नहीं है, बट अपना वाला भी मेगा इवॉल्व वाला है। सो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। देख सकते हो दो दो बड़े बड़े ब्लास्टमोथ रियू लड़ रहे हैं आपस में, एंड एक शॉट में मेरी पूरी शील्ड चली गई है। रुक जा, मैं ना मिसाइल लॉन्चर को लेता हूँ, लेजर राइफल से तो कुछ नहीं होने वाला है भाई। ये अबे मेरा वाला कौन सा है भाई? शिट, अबे यार मुझे नहीं समझ, मेरा वाला पीछे वाला था भाई, मेरा ब्लास्टमोथ रियू मर गया। शिट भाई भागो इधर से, थोड़ा कोने में भागो, बट 1,00,000 ही तो एचपी कम कर पाए। एंड देख सकते हो मिसाइल से बस 1,700 का ही डैमेज लग रहा है, ये मीटियर मोड में चला गया। जय हो, मैं मरने वाला हूँ, बाय बाय, मैं बच गया एक अटैक से। ये देख सकते हो मुझे ना पोकेमॉन्स को उतारने की जरूरत थी, बट इसने मेरी पिटाई कर दी यार। गाइस हम लोगों को बस किसी तरीके से रिस्पॉन हो गए इधर, अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को दोबारा छोड़ने की जरूरत है। बट ये इधर बैक टू बैक मारे जा रहा है, प्लीज 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 मेरे पोकेमॉन्स का। चलो 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 चलो, तुम लोग अंदर आओ।
मैं फिर से मर गया भाई, ये मेरे को जिंदा रहने नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। अबे अल्ट्रा वाला इतना ज्यादा पावरफुल है क्या? इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं था यार, यानी उड़े जा रहा है भाई। अबे भाई देख सकते हो, जैसे ही मैं आ रहा हूँ उसी सेकंड मेरी शील्ड चली जा रही है, बट सब लोगों को मैंने किसी तरीके से ला दिया। एंड आजा प्लीज प्लीज प्लीज, जॉर्मोंटाइट की पूरी आर्मी को नहीं बुला पाया, कुछ कुछ को डाल दिया गाइस। हम लोगों को थोड़ा टाइम मिलने वाला है इस बार भाई, इस बार ना मुझे जल्दी से अपने पैल्स को उतारने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ किनको उतारू, रुक जाओ, अपने पास ना कुछ छोटे मोटे ब्लाज़म ऑफ व्यूज है, तो मैं सारे के सारे ब्लाज़म ऑफ व्यूज को छोड़ देता हूँ। एंड देखते भाई 15 ब्लाज़म ऑफ व्यू वर्सेस 1 ब्लाज़म ऑफ व्यू अल्ट्रा। भाई देख सकते हो क्या ही हो रहा है आसमान में, सारे के सारे मीटियर मोड में चले गए, दुनिया कांप चुकी है भाई। लाइक मुझे नहीं पता कि उधर अपने कितने सारे ब्लाज़म ऑफ व्यू मरे हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने डैमेज दिया है किसी भी तरीके से भाई, जैसे कि देख सकते हो, फिर भी अपने सारे के सारे मर चुके हैं फिर से। अब भी इसके पास 7 लाख की एचपी है, तो मुझे ना जल्दी से बाकी लोगों को उतारना है। भाई मैं उतारू कैसे यार, ये मेरे को जिंदा रहने दे तब ना। गाइस जैसा कि देख सकते हो, मेरे को लिटरली जो भी मिला है मैंने सबको डाल दिया है इधर। भाई क्या मार रहा है ये, थोड़ा साइड में चलता है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसको छोड़ू, चिके पिकेटिवा सब लोग आ जाओ भाई, कोई तो आ जाओ यार प्लीज। कोई पावरफुल पोकेमॉन क्यों नहीं दिख रहा है ऐसे टाइम पे भाई? रुक जा टॉम बैट लोग, नहीं इनको निकालते हैं गाइस जल्दी से, मैं इधर से हटता हूँ, मुझे नहीं लग सकता है यार ये लोग एक सेकंड भी टिक नहीं पाए इस ब्लाज़म ऑफ व्यू के सामने, ये इतना ज्यादा खतरनाक है भाई। गाइस अपने पास बस 2 मिनट ही बाकी है, लाइक हम लोग इसको हरा नहीं सकते, इनसे क्या पंगा ले रहा है यार भाई तू, उससे लेना मतलब उससे लेने का तो है नहीं, मैं भी नहीं हरा सकता लगता है यार। देख सकते हो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको हम लोग ऐसे नहीं हरा सकते भाई। गाइस इस बार के लिए ना हम लोगों को रिट्रीट करना है, सो मैं ये तोड़ देता हूँ जिससे कि ये चला जाए, लेकिन 2 मिनट में तो इसको हम लोग हरा नहीं सकते थे यार। बट हम लोग ना फिर से अपना पैल बॉक्स बिठाते हैं, देखो फर्स्ट ट्राई तो अपना अच्छा नहीं गया, इतने सारे पोकेमॉन्स आ कहां से रहे हैं भाई परेशान करने के लिए? जेट ड्रैगन संभाल भाई, फालतू का परेशान करने के लिए आ रहा है। मैं जल्दी से गाइस ये वाला बनाता हूं यार। शिट भाई हम लोगों ने इतना ज्यादा अच्छा खासा कोशिश किया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि उसको हराना लिटरली इम्पॉसिबल से लगा मेरे को। एंड जैसा कि देख सकते हो यार, इतने सारे मेरे पोकेमॉन्स बेहोश हो चुके हैं, ये सारे के सारे अपने रेड वाले ब्लाज़म ऑफ व्यूज़ है, जो छोटे छोटे ब्लाज़म ऑफ व्यूज़ है यार, इनको मैंने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पकड़ा था। एंड तभी जाके हम लोग को ये अल्ट्रा स्लैब फ्रैगमेंट मिला, लाइक देख सकते हो ये प्यारा से छोटा सा है भाई, ये जैसे कि तुम लोग देख सकते हो गाइस, अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स मर चुके हैं, इनके सिवाय तो मैं हरा ही नहीं सकता, वो इतना ज्यादा ही पावरफुल है। सो मैं सोच रहा हूँ ना, देखो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे लगता है गाइस कि मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अपने पास ना बहुत सारे ब्लाज़म ऑफ व्यू किए ये बॉसेस है, सो हमें ना बस 5 मिनट का वेट करना है जिससे कि हम ये सारे के सारे रिवाइव हो जाए, देन मैं इसको पूरा अकेले दबोच लूं। भाई इतने सारे ब्लाज़म ऑफ व्यू मिलके तो हरा ही देंगे, इतना तो मैं श्योर ही हूं। ऑलराइट गाइस, सो पूरे के पूरे 5 मिनट बाद मैं आ चुका हूं, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं तुम लोगों को इधर दिखाता हूं, मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे पोकेमॉन्स रिवाइव हो चुके हैं, तो अभी हम लोग फिर से उसको बुलाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग गलती नहीं करने वाले कि मल्टीपल टाइप्स के पोकेमॉन छोड़ने वाले हैं, इस बार मैं सोच रहा हूं ना ज्यादातर ब्लाज़म ऑफ व्यूज को ही छोड़ने वाला हूं। सो इधर मैं 5-6-7 ब्लाज़म ऑफ व्यूज को छोड़ूंगा, एंड नॉर्मली 1-2-3-4-5-6-7 टोटल 7-7 मैं ब्लाज़म ऑफ को छोड़ने वाला हूं। सो देखते हैं भाई क्या ये लोग मिलके ब्लाज़म ऑफ व्यू अल्ट्रा को हरा सकते हैं। एंड इधर एक स्लैब देने की बस जरूरत है भाई, ये हम लोगों का सेकंड ट्राई होने वाला है, आई होप इस बार कंप्लीट करते, बट मैं ना इस बार नीचे नहीं रहने वाला हूं भाई, नीचे बहुत, तू इधर आना भाई। अबे शिट ये भाई मरवाएगा मेरे को, मैं ना आसमान में जाने वाला हूं तुम लोगों को दिखाने के लिए। बट जैसा कि देख सकते हो इतने सारे ब्लाज़म ऑफ व्यू ने क्या ही कर दिया है भाई, मेरा पूरा गेम लैग कर गया, लेकिन ये गायब कहां हो गया यार, जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे मर गए। अबे यार एक ही शॉट में बहुत सारों की हालत खराब कर दी, बट ऐसा क्यों लग रहा है ब्लाज़म ऑफ लोगों ने खुद को बचा लिया, बट ब्लाज़म ऑफ व्यू लोग मेरे चले गए हैं। जैसे कि देख सकते हो माहौल पूरा शांत हो गया भाई, कोई किसी को अटैक नहीं कर रहा है, बहुत सारे गए गाइस। इसी चांस में ना हम लोगों को सबको फिर से भरना है, देखो जल्दी से हम लोग ना ध्यान लगा के जो गए, जो कि सारे के सारे ही है बोल सकते हो, बाकी के लोग प्लीज मुझे डालने दे प्लीज। इधर मैंने डाले, इधर मैंने थोड़े रेड वाले डाले, एंड जितने हो सकते थे मैंने डाल दिए। भाग जाओ भाई, जेट ड्रैगन मर गया मेरा।
एक ब्लेजर मोड अपने पास है, इसको भी छोड़ देता हूँ। एंड ये देख सकती हो क्या बवाल अटैक हो रहा है भाई। ओबे शिट भाई, 600,000 में एचपी उतार दी एक ही सेकंड में भाई। लेकिन ये लोग रुक क्यों जाते हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर ये लोग ना अभी आई गेस अटैक नहीं करने वाले है। मैं ना सबको जल्दी से डालता हूँ अंदर एंड फिर से इनको इधर बाहर डालेंगे जिससे कि ये लोग कुछ कर पाए। भागो इधर से भागो, बस सीधा भागो तुम लोग। 500,000 में एचपी आ चुकी है बट मैं मर गया। शिट, लेकिन ये क्या हो रहा है गेम में देख सकते हो भाई। ये हो क्या रहा है यार, जल्दी 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 रिस्पॉन्ड करने दो। अबे शिट 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 क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है मेरे बहुत सारे मर गए हैं भाई, मुझे दिखा है ऐसा। 400,000 में एचपी तो अबे जस्ट आया भाई, फिर मार दिया मेरे को। ये क्या है भाई, मैं मरने वाला हूँ। ये देख सकते हो आने के बाद ही मुझे पूरा थोपना चालू कर दे रहा है। सब लोगों को रिटर्न लाओ यार, ये मारे पे मारे जा रहे हैं। मैं क्या करूं भाई ऐसे। अबे यार अदोरिये, ये मेरे को कुछ कर नहीं दे रहा है। फिर से मैं इधर स्पॉन होऊंगा या नहीं, फिर से मेरे को मार देगा। ये देखो मीटियर मोड में वो चला गया, उसका साउंड मेरे कानों में घूम रहा है। प्लीज प्लीज, और सर लोग तुम लोग थोड़ी देर के लिए कवर दे दो, बस थोड़ी देर काम बना लूंगा मैं। ये भी एक डाल देते है, नहीं इसको नहीं डालते, इसकी जगह मैंने डाल दिया था ऑलमोस्ट। बस हम लोग किसी तरीके से अपने पोकेमॉन्स को डालना है यार। भाई यार जैसा कि देख सकते हो हम लोग आ तो चुके हैं अपने हाथ में, बस और 6 ही मिनट बाकी है जिसके अंदर इतने पोकेमॉन्स जा रहे हैं ना, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। बट मैं मर गया, ये नहीं डालने देगा भाई, ये डालने ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। अरे भाई तू मुझे प्लीज डालने देना ब्रो। रुक जा, बस स्पेल बॉक्स खोल लूं एक बार। आई गेस मेरा मेगा ब्लाज़म का थ्रू भी अभी तक हो चुका है रेडी। सो उसको उतारने से पहले मैंने एक ब्लाज़म को तो छोड़ दिया है। एंड इधर देख सकते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अबे तुम लोग आओ ना भाई, ये लोग आ नहीं रहे जैसा कि देख सकते हो भाई। मरवाएंगे मेरे को, नहीं नहीं आना ही नहीं है। ऐसे करके मुझे मैनुअली डालना पड़ रहा है सबको, बट मैंने ऑलमोस्ट सबको डाल दिया। 300,000, 2,00,000 भाई प्लीज थोड़ी देर और टिक जाओ यार। 200,000, बस 200,000 की गई। सब लोगों को इसकी एचपी घटानी है। अबे भाई साहब देख सकते हो क्या ही बवाल फाइट चल रहा है इधर। अभी बस एक ही बचा है अपने पास बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। एंड अबे मेरे को उड़ा उड़ा के कहां भेज दिया भाई। भाई जैसे कि तुम लोगों ने देखा इसने मेरे को पानी के अंदर घुसा दिया, बट आई गेस इसकी एचपी एनफ लो हो जानी चाहिए अनलेस ये खुद को फिर से हील कर ले। मेरे पास बस अभी अपना ब्लास्ट ऑफ मोथ मेगा रियू बचा है, क्या ये अल्ट्रा रियू को हरा सकता है भाई। तू उधर देख, अभी मैंने इसको कमांड नहीं देके रखा था ना। जल्दी 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 प्लीज 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 अटैक कर। 100,000 तू कर सकता है मेरी जान। चल 70-50 हो जाएगा, होने वाला है 34,000। दैट इसने अपनी एचपी बढ़ा ली मेरे और मेरे ब्लाज़म रियू को झटका देके। भाई सारे के सारे ब्लाज़म मर चुके हैं, बस ये मेगा रियू ही अभी तक जिंदा है। मुझे लगता है ना गाइस ये फाइट के बीच में और एक बार इवॉल्व हुआ क्या, कुछ हुआ क्या इसको, इतने सारी चीजों के बीच में मुझे दिखा नहीं। बट देख सकते हो ये टिका हुआ है भाई। एंड अपने वाले ने दिया क्या या फिर ओपोनेंट वाले ने दिया, किसने दिया कहना मुश्किल है भाई। रुक जाओ हम लोग ना अपने जल्दी से ब्लाज़म रियू को बुलाते हैं अनलेस की मैं मर जाओ। आजा, चल इसके ऊपर बैठ के गाइस हम लोग ये वाला अटैक करता है। कुछ नहीं हुआ यार, शिट मुझे मार दिया, मेरा ब्लाज़म मोड रियू अकेला रह गया भाई। भाई लेकिन टाइम बहुत ही ज्यादा अपने हाथ में कम होते जा रहा है, हम लोग इसको किसी भी तरीके से मारने की जरूरत है। बट मैं मारू कैसे यार, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। जल्दी से इसके ऊपर बैठो। अबे मेरा रियू कहाँ गया। चल जल्दी से भाई, हम लोगों को भी मीटियर मोड में चले जाना है। बस अब हम भी इसको नहीं दिख रहे हैं, ये कहाँ है मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बट आई गेस मैंने इसको हिट किया, सो मैं ना जल्दी से चल के चेक कर लेता हूँ। बट रुको उससे पहले ना थोड़ा इसको रेस्ट देता है गाइस, ये भी थक गया होगा। बस मैं इधर पहुंच चुका हूँ अपने पैर बॉक्स तक। इन लोग को निकालने नहीं दिया भाई, फिर से मार दिया यार मेरे को, ऐसे करके रख दिया यार। आई लेकिन हो सकता है यार, हो सकता है, मैं पॉजिटिव हूँ कि हो सकता है, इस बार तो हो सकता है। आजा। अपना दूसरा ब्लाज़म मोड कुछ नहीं कर पा रहा है, सो इसको छोड़ेंगे। एंड सारे के सारे गुड नाइट हो चुके हैं भाई। भाई ये पागल ब्लाज़म मोड का क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बट हम लोगों को फाइट तो कंटिन्यू करनी है भाई, फाइट छोड़ के हम लोग नहीं भाग सकते। आ गया, जल्दी से ब्लाज़म मोड मुझे अपनी पीठ में बिठा ले। मैं मर गया मुझे लगता है, बट मैं साइड में आ चुका हूं थोड़ा। अबे भाग, उधर फाइट लेना, इधर क्या कर रहा है भाई तू, छोड़ दे मुझे यार। 8,000 करके डैमेज तो दे रहा है
लगता है मेरा वाला, बट मैं बचने नहीं वाला। इसको मेरे से कोई पर्सनल दिक्कत है भाई, जैसे कि देख सकते हो मेरे को ही मार रही है। क्यों मार रहा है भाई तू मेरे को? गया गया, बच गया बच गया, किसी तरीके से बचा हुआ मैं। जल्दी से चलता हूँ, इन लोगों को अंदर डाल लो, प्लीज डालने दो, ब्लाजमोत संभाल रहा है सब कुछ। एंड बस मुझे ढूंढना है यार, हम लोग ऑलमोस्ट बहुत क्लोज आ चुके हैं भाई। इधर किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा, ये मेरी चटनी बना देगा। बट मैंने कुछ कुछ पोकेमॉन्स को इस बार छोड़ा है, जो कि थोड़ा सा तो टाइम जी लेंगे, आएंगे बच ही जाएंगे यार किसी तरीके से। तो इधर से रिटर्न, चलो आ गया मैं, आ गया, बस आ गया, प्लीज खुल जा, जो कि खुल गया है। ब्लाजमोत बाहर निकल, मैं थोड़ा सा गाइस साइड में चलता हूँ जिससे मैं हील हो पाऊँ। बट ये ब्लाजमोत री अल्ट्रा को इलेक्ट्रिक अटैक्स भी आता है, एंड अपने पास बस एक ही मिनट बाकी है। यार ये क्या क्या अटैक्स कर रहा है भाई, इसको मैं मारू कैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ तो चुका हूँ मैं रिटर्न, एंड ये अपने मीटियोर मोड में है, एंड मैं देने वाला हूँ भाई, मैं देने वाला हूँ इस बार, डरने का नहीं बस मारने का। गाइस देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके तो मैं दे रहा हूँ, मेरे को पोकेमॉन उतारने का वक्त नहीं देने वाला ही है। सो कहाँ गया? अबे अपना वाला गया है, शेट मैं बेवकूफ बन गया, मेरी एचपी गई, एंड 1,00,000 की एचपी बट 20 सेकंड बाकी है। यार इस बार भी नहीं हरा पाऊंगा क्या? हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा, 1,00,000 शेट शेट, मर गया यार, मर गया भाई, इतना मेहनत करके भी यार सेकंड वाला अटेम्प्ट भी हम लोगों का नहीं होगा लगता है। एंड भाई खत्म यार, लास्ट 1 सेकंड का था, फिर से हार गए। इन लोगों को फिर से हम लोगों को डालना पड़ेगा इधर ही भाई। एंड दिखाओ मैं अगर तुम लोगों को, ठीक है ये शॉर्ट कर देता है, एंड अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को, भाई इतने सारे घायल हो चुके हैं अपने पोकेमॉन्स, एंड इनके सिवाय तो नहीं होने वाला। सो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा गाइस, जिससे कि ये लोग फिर से रिवाइव हो जाए। ऑलराइट गाइस, सो फाइनल मैं अपने दूसरे बेस से आ चुका हूँ, एंड अपने पास थोड़ी पैल्डियम फ्रैगमेंट्स की कमी है, सो इधर से इकट्ठा कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इससे हम लोगों को 10 मिल गया अबे, सही है भाई, इधर और 2 हम लोगों को मिल गए, सो 10 ही हम लोगों को चाहिए था, काम तो बन जाने वाला है। बट सबसे ज्यादा डरावनी बात पता है क्या होने वाली है गाइस, कि ये हम लोगों का लास्ट वाला आइटम होने वाला है, एंड अगर इस बार हम लोग नहीं जीत पाए ना, तो भाई पकड़ लो कि हम लोग इसको नहीं हरा सकते फिलहाल के लिए, हम लोगों को बाद में कभी कोशिश करनी है। बट सबसे पहले ना मैं देख के फिर से सब लोगों को डाल देता हूँ, पहली बार ही डालना इजी होता है यार, बाकी टाइम नहीं मुझे डालने नहीं देता, इतना मारता है। तो इधर 1,2,3,4,5,6,7 ब्लाजम मॉथ्स डालूंगा मैं, एंड 1,2,3,4,5,6,7 अबे एक कम डाला गया मैंने, एक कम डाला होगा गाइस मैंने, तो एक और लेके डाल देता हूँ मैं से। जैसे कि देख सकते हो सारे के सारे लोग रेडी हो चुके हैं, मुझे लग रहा है ये मारपीट के मूड में ही है। बट इससे पहले ना हम लोग शुरू करें, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखो अपना मेगा इवॉल्व वाला ना, इन सब का पाप लगता है, लिटरली सारे के सारे इसके बच्चे लगते हैं भाई। ठीक है, इसको बुलाते हैं, एंड हम लोग का लास्ट अटेम्प्ट ये होने जा रहा है, फिंगर क्रॉस कर लो भाई, जिससे कि हम लोग ये वाला काम कर ही दे इस बार। एंड उसी के साथ साथ गाइस, जिसने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देख सकता हूँ इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी टू बैक फाइट किए जा रहा हूँ। सो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आ रहा है यार, मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर देना। अब भी हम लोग इसको बुलाने वाले, भगले भाई इधर से भगले, जेट्रैगन ले चल ले चल ले चल, सब अंधेरा होने वाला है, अभी देखना अभी देखना, देखो सब अंधेरा हो चुका है। बट ये देख सकते हो सब लोग फाइट में बिजी हो चुके हैं, मैं भी देने वाला हूँ भाई फुल्ली रॉकेट्स का अटैक, बट मुझे कुछ देख नहीं रहा है, फिर से सारे के सारे लोग गायब हो चुके हैं भाई, देख सकते हो क्या ही हो रहा है इधर। एंड इतने सारे ब्लाजमोत्स के बीच में वो अकेला गायब हो गया, एंड 3 ब्लाजमोत्स ऑलरेडी मर चुके हैं भाई। इधर से मैं थोड़ा एक अटैक करता हूँ, जो मेरा जेट ड्रैगन मर गया। भाई तुम लोग देख क्यों रहे हो यार, एक तो मुझे ये चीज पसंद नहीं आती तुम लोगों की भाई, तुम लोग देखते रहते हो यार, मारो ना बे उसको पकड़ के भाई। रुक जाओ इसको बुलाते हैं गाइस, जब तक हम लोगों के पास चांस है, जो लोग मर चुके हैं हम लोग उनको बदल देते हैं, लेट्स गो। मैंने फिर भी कुछ कुछ लोगों को डाल दिया, मैंने फिर भी कुछ कुछ लोगों को डाल दिया भाई, ऐसे करके ना गाइस हम लोगों को बैक टू बैक डालते रहना है, वरना तुम लोगों ने देखा ये डालने ही नहीं देता है हम लोगों को, इतना मारता है भाई। इधर से आ जाओ, आ गया आ गया आ गया आ गया, पूरा लैग कर रहा है सब कुछ, देख सकते हो भाई मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, शिट 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 भाई, ये करने नहीं दे रहा है ना मुझे, ये दिक्कत हो रहा है भाई। एक बार दे दे, चल चल चल, अगर तेरे में हिम्मत है ना, मेरे को मेरे पोकेमॉन्स उतारने दे भाई, फिर मैं तेरी और जब करूंगा, छोड़ूंगा नहीं यार।
इधर से चलता हूँ, इधर से चलता हूँ, इधर से चलता हूँ, एंड ये देखो पूरी प्लाजा मुच की आर्मी उतारो, और चार उतारे, और चार, इन तीनों को वापस लो, इन दोनों को वापस लो, सारे के सारे ना पहले गाइस प्लाजा मुच को उतारते हैं, ये आ जा प्लीज। मैं इधर से भागना चाहता हूँ भाई, इधर देख सकता हूँ क्या ही हो रहा है। ओए भाई 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 भाई, अपना प्लाजा मुच मीटियर मोड में चला गया भाई, इधर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। बट ये क्या हो गया भाई, सुबह हो गया अचानक? नहीं नहीं नहीं, फिर से अंधेरा हो रहा है भाई, ये क्या हुआ अभी? बट देख सकते हो 8 मिनट अपने हाथ में है अभी भी, एंड हम लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दिया। मैं मीटियर मोड में चलाता हूँ जिससे कि मुझे ना डैमेज पड़े, एंड ये कहाँ है दिख नहीं रहा, ये रहा, ये ले भाई भैंस की डांग तेरी, तेरे को नहीं छोड़ने वाला भाई मैं। हम लोग अपने ब्लेजर बहुत छोड़ते हैं इधर, ये रहा अपना वाला भी इधर ही गई है गाइस, वो रहा अपना वाला मीटियर मोड में। इन लोगों को देखो भाई, इन लोगों को देखो कैसे गधों की तरह खड़े है भाई, तभी तो मैं इतना मार खा रहा हूँ। मेरा पैल बॉक्स कहाँ है? अबे मेरा पैल बॉक्स खो गया भाई, तोड़ दिया गया इसने। नहीं 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 मिल गया भाई, भाई 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 भाई, बहुत गंदा डैमेज, बहुत गंदा। मैं अपने ब्लेजर मॉड को बुलाता हूँ, बहुत सारे ही जा रहे, बहुत सारे ही जा रहे। अबे चलो 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 जल्दी से, किसको डालू किसको डालू, कहाँ गए? कुछ कुछ और रियूस को डाल देता हूँ मैं, तुम लोग दोनों वापस आ जाओ, रियूस को डालते हैं गाइस, क्योंकि देखो ब्लेजर मॉड लोगों से ना रियू लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन इतने रियू को पकड़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है यार। एंड मैं जाने वाला हूँ, मेरी एचपी खत्म होने वाली है भाई। कितने लोगों को मारेगा ये, पागल पागल हो गया है क्या भाई? बट अभी भी 1,00,000 की एचपी है इसके पास यार। शेट, फिर से मार दिया भाई मेरे को, बट इस बार हो सकता है, इस बार हो सकता है 1,00,000 में हम लोगों ने इतनी जल्दी एचपी ला दिया। बस हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि ना कि ये हील होने वाला है यार। एंड आ गया हूं मैं, 1 HP देखा था मैंने, ये क्या हो गया भाई? फिर से 3,00,000, लेट्स गो, फिर से 3,00,000 कर लिया, मेरे बहुत सारे ब्लेजर मॉड्स गए हैं भाई। बचाओ यार, ये इलेक्ट्रिक टॉर्नेडो मुझे अपने अंदर खींच ले रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है यार, मुझे ये बता दो कोई बस। चल 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 चल, आ गया मैं बस, आया नहीं कि मैं मर गया यार, क्या है ये? अबे मुझे आने तो दो भाई, अबे ये ब्लेजर मोड अल्ट्रा इतना खतरनाक है क्या? बाप रे भाई, साइड में चलो थोड़ा, कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत सारे देख रहे हो ये लोग अभी तक टिके हुए हैं, अच्छा डैमेज दे रहे, अच्छा डैमेज दे रहे, मुझे लगता है ये लोग काम कर सकते हैं। ये देख सकते हो ब्रॉन इम्पैक्ट, एंड इन सारे लोगों की एचपी जा चुकी है, बहुत ही गंदी वाली भाई। भाई देख सकते हो इलेक्ट्रिक टॉर्नेडो छोड़ के वो गायब हो जा रहा है भाई। ओबे ओबे ओबे, आने वाला है, बहुत ज्यादा टिके हुए हैं ये लोग। अबे भाई मेरे को मार दिया यार, मैं तो मेरे पोकेमोन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं क्या करूँ भाई, मेरी क्या गलती है, इसमें उड़ा दे रहे भाई। जल्दी 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 स्पॉन हो जाए प्लीज 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 भाई प्लीज, क्या हो रहा है उधर, मुझे भी देखना है क्या हो रहा है भाई। भी ये टिका हुआ है, बहुत सारे ब्लेजर मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। बट 1,00,000 की एचपी, मैं थोड़ा कवर में चलता हूँ भाई। मेरे गन्स कहाँ गए? रुक जाओ तो यार, गन्स ये ले भाई। जैसे कि देख सकते हो मिसाइल पूरी बेंड हो गई, उसके ऊपर चली गई, लेकिन इतने सारी चीजों के बीच में छुप गई यार। एंड ये निकलने वाला है। प्लाजा मत, तू आ जा भाई। ओए भाई, अभी मैं इसको छोड़ चुका हूँ, आई होप ये कुछ करे। ये ले भाई, मुझे पता नहीं है गाइस मैं ठीक मार रहा हूँ कि नहीं, बट मैं सारे अटैक्स कर देने वाला हूँ इस बार गाइस। हम लोग इसको हील होने देने का रिस्क नहीं उठा सकते। मीटियर मोड में जा रहा हूँ मैं, प्लीज। क्या ये हारेगा? 20,000, 7,000 में एचपी आ चुकी है, जैसे कि देख सकते हो। अबे 470, चलो हो गया, अबे हो गया भाई, हो गया यार, मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा है, हो चुका है, इतने सारे मेरे मर चुके हैं भाई। सब लोगों को रिटर्न बुलाता हूँ मैं, क्या हुआ, किसने मारा? मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सब लोगों ने मिलके मारा है भाई, एंड सबसे ज्यादा मेहनत तो इसने की है। लेकिन लास्ट में जो वो मैग्ना क्रश के बाद इसने खुद से अटैक किया ना गाइस, इसने फाइनल ब्लू डिलीवर किया है। तुम लोग यकीन ना होना, वीडियो को स्लो मोशन में देखो, खतरनाक वाला डैमेज दिया अपने ब्लेजर मॉड ट्रियो ने यार। एक मेगा इवॉल्व का पावर अब मुझे समझ में आ रहा है गाइस, कि पोकेमोन का ना कोई लिमिट नहीं होता है पावर का, वो लिटरली इवॉल्व पे इवॉल्व हुए जा रहा है। एंड जैसा कि देख सकते हो मजा आ गया, रुक जाओ यार एक बार का गाइस, हम लोग और ये चला के देखते हैं, क्रो जीरो की पिटाई करेंगे। रुक जाओ क्रो जीरो, ये ले भाई, भाई बहुत गंदा पावरफुल है अपना ये वाला यार। बट एक सेकंड, हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया तो हम लोगों को तो कुछ मिलना चाहिए। बट इधर से ना निकलते हैं, सबसे पहले मैं अपने पुराने बेस में चलता हूँ, क्योंकि मुझे इधर ज्यादा रुकने का कोई मन नहीं है। ऑलराइट गाइस, इधर हम लोग आ तो चुके हैं, अपना अगर
बैग चेक करे, हम लोगों को मिल चुका है ह्यूज ड्रैगन अगेन। तुम लोग समझदार हो यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, बट फिर भी ना मैं इसको जल्दी से इसके अंदर डाल के हैच करके तुम लोगों को दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैंने एक को डाल दिया था, जैसे कि देख सकते हो ये हैच भी हो चुका है। बट इसको खोलने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ ये बनाने के लिए कोई अनुबिस क्यों नहीं है यार। तुम लोग इधर आओ भाई, जल्दी से इधर आओ, ये बनाओ भाई मेरे लिए, नया वाला बनाओ भाई, इतना जगह नहीं है। सो हम लोग ना गाइस अपने आज वाले एडवेंचर की सारी चीजें अपने बेस में रख देते हैं, जिसको हम लोग बाद में यूज कर पाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है अनुबिस भी, तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा हाथ बढ़ाई दे सकते, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं जरूर से। इधर ये बन चुका है क्रूड ऑयल। अबे हम लोग को और एक अल्ट्रा स्लैब मिल गया क्या, उसको हरा के? चलो सही है, ये तो काम की चीज मिली है। ये सारी चीजें मैं इधर रख देता हूँ, ये फ्लावर वगैरह का बस मुझे काम नहीं पता है गाइस, ये अपने लिए काम की चीजें, सो इसको मैं बैग में रखूंगा। एंड बाकी कुछ कुछ चीजें, रुक जाओ, ये क्या है? ट्रेनिंग क्रिस्टल, स्ट्रेंज क्रिस्टल दैट व्हेन गिवन टू अ पाल रेसेस इज लेवल बाय 1। अच्छा, अगर एक बात बताओ, मैं अगर अच्छा इसका यूज नहीं कर सकता, लाइक 55 लेवल तक ही हम लोग रख सकते। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग खोलने वाले हैं ये वाला अंडा, इसके अंदर से हम लोग देखते हैं क्या निकलने वाला है अपना। आई गेस कुछ तो अच्छा खासा निकलना चाहिए, तो मैं खोलने वाला हूँ। एंड इसके अंदर से मिला ब्लाजमोथ रियो अल्ट्रा, मिला है भाई, ये पक्का अल्ट्रा वाला मिला है। एंड ये देख सकते हो 2 लेवल का है, बट ये इतना छोटा है भाई, लाइक अल्ट्रा वाला बहुत ही ज्यादा छोटा है। मैं इसकी थोड़ी डिटेल्स देखूं, अगर हम लोग देखें इसको क्या अटैक आते हैं, बस एक ही। अभी इसको कुछ नहीं आता है भाई, अच्छा मतलब सही भी है, ये जस्ट अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन हम लोगों को मिल चुका है फर्स्ट ब्लाजमोथ रियो अल्ट्रा। ये खड़े खड़े लेवल अप हो रहा है भाई, लाइक कैसे लेवल 5 हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई। देखो मैं लिटरली कुछ कर नहीं रहा हूँ, तुम लोग देखना ठीक है, मेरे पूरे हाथ इधर रखे हुए हैं। एंड आई एम श्योर यार ये अब वो देखो भाई लेवल 6 भाई, लेकिन कुछ भी कहो, अपनी पूरी की पूरी पैल आर्मी की बहुत गंदी वाली आज पिटाई हुई है। एनीवेज गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।